वन विभाग की लापरवाही के कारण खटीमा में सागौन के 80 पेड़ काट लिए गए। राजस्व विभाग निरीक्षण कर पेड़ काटने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सागौन के कटे हुए सभी पेड़ों को जब्त करने के आदेश दिए गए। खटीमा के हल्दीखेड़ा में एक निजी फार्म के मालिक द्वारा अवैध रूप से 80 सागौन के पेड़ काट लिए गए और वन विभाग सोता रहा। पेड़ काटने की सूचना पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी राजस्व विभाग को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए पेड़ जब्त करने के आदेश दिए। हल्दीखेड़ा में स्थित निजी फॉर्म के कैंपस में परमिशन की आड़ में सागौन के 80 पेड़ों को ठेकेदार द्वारा काट लिया गया, जबकि 30 पेड़ों को काटने की परमिशन ली गई थी। वनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में फॉर्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कि जितना सैंक्शन है उससे ज़्यादा उन्होंने पेड़ का कटान कर दिया है, लिहाजा हमने वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया। 419 गिल्टे हमने प्राप्त किए वहाँ पर सागवान के कटे हुए, और वहाँ का जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, उसी को हमने उसकी सुपुर्दगी दे दी है। साथ ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि इसका आकलन करके हमें प्रस्तुत करें। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जैसी कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ज़्यादा हरे पेड़ों का वहाँ पर पातन किया था, तो इसके उपरांत हमारे द्वारा वहाँ पर S2 केस दर्ज कर लिया गया है, और इस केस की जो विवेचना है वो गतिमान है वन क्षेत्राधिकारी स्तर पर। तो अभी हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं कि इसके क्या क्या कारण रहे, किन परिस्थितियों में इस प्रकार का अवैध कटान किया गया, और नियमानुसार उसमें आगे क्या कार्रवाई की जानी है। जैसे ही इसके बारे में कुछ विवेचना में कुछ इसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जो वहाँ का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, जिसके अधीन क्षेत्र में ये पेड़ आते थे, जिसकी ज़मीन पर ये पेड़ लगे हुए थे, इसके साथ साथ उसके दो सह अभियुक्त भी हमने इस केस में बना रखे हैं, जिन पे इस संबंध में आगे कार्रवाई की जानी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।